नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा कि हम कोपी गांव में रुके हुए हैं और इस 100 साल पुरानी रसोई में खाना बनाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। टाइगर टेरिटरी है, कोर टाइगर टेरिटरी है फ्रेंड्स, कोपी विलेज। तो मैंने मेरी पिछली वीडियोज में आप लोगों ने देखा होगा कि टाइगर की रोर भी मैंने आप लोगों को सुनाई, एनिमल कॉलिंग, जो कि कई बार तो रूम के बाहर भी हो जाती है, कई बार थोड़ा दूर होती है। तो सारी चीज़ों को इवैल्यूएशन करने के बाद हमने जो देखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस टाइम पे झाड़ियाँ इतनी हो रही हैं कि यहाँ पे अगर टाइगर की मूवमेंट होगी भी, किसी एनिमल की मूवमेंट होगी भी, तो हम उसे देख नहीं पा रहे। तो हमने बहुत सारे लोगों से बात करी, थान सिंह जी ने जिन्होंने हमारी बहुत मदद करी यहाँ पे, उनसे भी बात करी। तो हमने जो कुछ लोकेशंस को मार्क किया है यहाँ कि जहाँ पे हम टाइगर की साइटिंग कर सकते हैं, जैसा कि उनमें से सबसे ऊपर तो चल रहा है कि ऊपर वाला जो रोड है जहाँ पे प्लांट है, प्लांट के बारे में फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को पहले भी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो वो प्लांट वाली जो लोकेशन है ना, वो ऊपर की तरफ है, तो उसे हम नाइट ड्राइव में इंक्लूड करेंगे। हमने जो प्लान किया है कि नाइट ड्राइव में इंक्लूड करेंगे। आज रात की जो वीडियो है हमारी होने वाली है कार स्टे से रिलेटेड। आज हम जंगल में कार लगा के रुकने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि आज कैसी एम्बियंस होती है, कैसा फील होता है। उसके बाद से फिर फ्रेंड्स हम साइटिंग के लिए पूरी तैयारी करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे साइटिंग की प्लांट वाले एरिया पे, जो ऊपर वाला एरिया जहाँ पे कॉलिंग होती है और जहाँ पे उसने गायों को मारा था। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये मेरा कंटेंट आप लोगों को देखना अच्छा लगता होगा। फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, शाम का समय है, बरसात हो रही है, जंगल अपनी पूरी खूबसूरती पे है। अभी रसोई में हमने शुरुआत कर दी अपने डिनर की। दोस्तों, आज हम अपनी गाड़ी पीछे लगाएंगे, पीछे मतलब यहां तक ये गाड़ी पीछे आ सकती है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको आवाज सुनाई थी और मैंने बताया था कि यहां तो आवाज कॉमन ही है, बस सुनने वाला होना चाहिए। तो गाड़ी अगर हम पीछे लगाएंगे तो जो ये वाली साइड है ना, एक साइड ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कवर हो जाएगा क्योंकि ये दीवार आ जाएगी यहां पे। फिर हम सामने, लेफ्ट पे और पीछे नजर रख पाएंगे, एक साइड से हम सेफ हो जाएंगे। और इधर ही हमारे रूम का दरवाजा भी है इन केस ऑफ इमरजेंसी। आज फ्रेंड्स हमने डिसाइड किया कि गाड़ी में थोड़ा ज्यादा समय बिताएंगे ताकि जो आवाजें हैं ना वो रूम में थोड़ी कम आती हैं, गाड़ी में क्लियरली आएंगे जंगल की आवाजें। सबसे पहले तो अपना डिनर बनाते हैं, उसके बाद गाड़ी पीछे करते हैं। हाँ, चलो 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 चलो, आओ, हाँ ऊपर को ले लो, ऊपर 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 ऊपर, आ जाओ आ जाओ, बहुत जगह है, आओ आओ आओ, और ले लो और ले लो, मेरी तरफ को लेना, मेरी तरफ ऊपर, और ले लो और ले लो, और है, लो लो, हाँ हाँ हाँ, लो लो लो, बहुत ठीक है, इतना ठीक है बस।
दोस्तों जैसा भी आप लोगों ने देखा, गाड़ी तो हमने अपनी राइट पोजीशन पे खड़ी कर दिया जिसमें हम नाइट स्टे कर पाए कार के अंदर। फ्रेंड्स बैकग्राउंड की आवाज पे भी कान लगा के चलना पड़ता है व्लॉगिंग करते हुए भी ना, आप लोगों को दिखाते हुए भी बैकग्राउंड में क्या आवाजें हो रही है, इन चीज का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। फ्रेंड्स देखिए आज हमने बनाए हैं चावल, चने की दाल की खिचड़ी। जैसा कि हमने दिन में थोड़ा सा हैवी खाना खा लिया था तो अभी हमने डिसाइड किया कि जंगल में बनाएंगे मस्त चावल। ये हमारी 100 साल पुरानी रसोई हमारे बहुत काम आ रही है और बाहर खतरनाक वाला जंगल। पहले डिनर करते हैं फिर गाड़ी में रुकने की व्यवस्था बनाते हैं। और हम गाड़ी में ही सो रहे हैं। सो तो खैर क्या रहे हैं, मतलब रिलैक्स कर रहे हैं गाड़ी में और हर आवाज पे हर मूवमेंट पे पूरी नजर रख रहे हैं। कि अगर टाइगर की मूवमेंट गांव के अंदर होती है तो हम उसे कैंप पे ले पाए। हर साइड से हर एंगल से एक माइन्यूट से माइन्यूट आवाज पे हमारी नजर है। मौसम एकदम ठंडा हो रहा है बीच बीच में गाड़ी स्टार्ट करके फॉग रिमूव कर लेते हैं बाकी थ्रिल एकदम अमेजिंग चल रही है फ्रेंड्स, अमेजिंग जिसे कहते हैं। नजर पूरी बनाई हुई है हमने। जंगल शांत है, ऐसा लगता है जैसे आज उसे टाइम पे शिकार मिल गया और वो मूवमेंट नहीं कर रहा कहीं, क्योंकि फिलहाल के लिए तो जंगल बिल्कुल कोई आवाज ही नहीं कर रहा। हम चारों तरफ लाइट मार के देख रहे हैं टाइम टाइम पे, हर 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद। फ्रेंड्स सोने का तो गाड़ी में बहाना है, नींद तो आ ही नहीं रही हमें जंगल की आवाजें सुन सुन के, और ऐसा लग जैसे ये आवाजें होती रहती है ना। सोए तो हम थोड़ी देर भी नहीं है और एक थ्रिल बनी ही रहती है कि चारों तरफ टॉर्च भी मारनी है। लेकिन और दिन के मुकाबले आज जंगल काफी शांत लगा हमें। आज जैसे रात हो गई तो शाम को तो फिर भी गुर्राहट आ रही थी उसकी, टाइगर की, लेकिन अब नहीं है। ऐसा लग रहा है शिकार लेके शिकार करके बैठ गया वो रिलैक्स। गुरुजी आज थोड़ा शांत है ना माहौल? शांत है माहौल। ऐसा होता है ना, वो एक दिन शिकार करके 3-4 दिन तक शांत रहता है। वो शिकार को हो सकता है बड़ा शिकार कर लिया हो ना, 3-4 दिन तक कवर कर लेगा। मूवमेंट वगैरह करेगा तभी आवाज आएगी उसकी। आज तो कुछ भी नहीं, आज ना हवा में वो है, खुशबू भी नहीं है आज, नहीं कुछ भी। दोस्तों चादर वगैरह सब ले रखी है गाड़ी में हमने, ओढ़ के थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं जरा, फिर दोबारा देखेंगे। थ्रिल बहुत है फ्रेंड्स, हालांकि जंगल और दिनों के मुकाबले आज शांत है, लेकिन जंगल तो जंगल है। शांत
शांत से हाई होने में सेकंड ही लगेंगे बस। मंजर खतरनाक ही चल रहा है, आवाज भी ठीक ठाक है, बढ़िया तेज। दोस्तों कूपी गांव में एक बात तो हम रुक के समझ गए हैं कि यहाँ झाड़ी इतनी है ना इस टाइम कि टाइगर को भी झाड़ियाँ ज़्यादा, वैसे तो ठीक है झाड़ियाँ हैं लेकिन अगर उसमें मच्छर वगैरह हो रहे हैं, बारिश हो रही है, पानी हो रही है, पानी हो रहा है तो टाइगर को फिर वो अच्छी नहीं लगती चीज़ें, रहता वो भी खुले में ही है। तो इस टाइम जो वो प्लांट वाला एरिया है ना वो उसमें मच्छर वच्छर भी नहीं है, खुला खुला है और विजिबिलिटी भी बनेगी। अदरवाइज इन ये जो झाड़ियाँ हैं इनमें इतनी हड्डियाँ हैं, मेरी पहले की कूपी विलेज की वीडियोज़ देख लेना, नहीं तो आने वाली वीडियोस में दिखा दूंगा। हड्डियां फ्रेंड्स यहाँ इतनी हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इस टाइम तो झाड़ियों में दिखती नहीं, उसी तरह एनिमल भी नहीं दिखते। तो फ्रेंड्स टाइगर ने जो इस टाइम अपना एक जगह चुनी हुई है ना वो ऊपर की तरफ चुनी हुई है। तो अब हमने इनसाइड से तो कूपी विलेज को एक्सप्लोर कर लिया है काफ़ी, अभी हमें ऊपर की तरफ मूव होना चाहिए, यहाँ पे प्लांट की तरफ। दोस्तों इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर करेंगे आने वाली वीडियोस में। एनिमल कॉलिंग, टाइगर की दहाड़ फ्रेंड्स पिछली वीडियोस में भी देख सकते हैं। देखते हैं आने वाली वीडियोस में जंगल का कौन सा रूप हमें दिखता है। चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, हर हर महादेव।